हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इंडियन आर्मी लवर्स एवं फ्यूचर फौजी यूट्यूब फैमिली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 अक्टूबर 2021 यानी कल ही रिलीज हुई है विद्युत जामवाल भैया की फिल्म सनक। आपको बता दें कि सनक एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन कनिष्क वर्मा द्वारा किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई थी। फिल्म के निर्माता विपुल अमरलाल शाह हैं। यह फिल्म जी स्टूडियो एंड सनशाइन पिक्चर द्वारा फिल्माया गया है। फिल्म में विद्युत जामवाल नायक के रूप में, नायिका के रूप में रुक्मणी मित्रा जी, नेहा धूपिया एसीपी के रूप में और विलन के रूप में चंदन राज सन्याल मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म अमेरिकन फिल्म यानी कि इंग्लिश फिल्म जान क्यों की हिंदी रीमेक है। बात अगर सनक फिल्म की कहानी की करें तो विवाना और अंशिका की लव लाइफ एकदम अच्छी चल रही होती है कि तभी HCM अर्थात हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बीमारी के कारण अंशिका को एक सर्जरी करानी पड़ती है। सफल सर्जरी के बाद अंशिका और विवान अपनी ज़िंदगी में वापसी को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। विवान अंशिका को अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी कुछ आतंकी अस्पताल पर अटैक कर देते हैं, जिनका गैंग लीडर सज्जू होता है जो सभी स्टाफ और मरीजों को बंदी बना लेता है। आतंकी पुलिस के सामने कुछ शर्तें रखते हैं और पुलिस उन शर्तों को मान लेती है, और एक ओर जहां पुलिस बाहर स्ट्रेटजी प्लान कर रही होती है उन लोगों को पकड़ने की, वहीं दूसरी तरफ अंदर की ओर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर विवान अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक एक कर आतंकियों को मार गिराना शुरू करता है। वह बंधक बने लोगों को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं, फिल्म की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की IMDB पर रेटिंग है 7.8/10 एंड गूगल पर 96% लोगों ने इसे पसंद किया है। बात करें एक्शन की तो वह विद्युत भैया के होने से भरपूर है। VFX का ज़्यादा प्रयोग ना करके रियल एक्शन से भरपूर यह फिल्म एक्शन फिल्मों के दीवानों का मन मोह लेगा। बात करें रोमांस की तो शुरुआत में कुछ रोमांस और बीच में भी जिक्र हुआ है, हालांकि रोमांस की कमी फिल्म में महसूस किया गया है। और बात करें कॉमेडी की तो इसमें कॉमेडियन के रोल में रियाज अहमद जी हैं जो अस्पताल में सफाई कर्मी के रोल में हैं और अपने बातों से लोगों को गुदगुदाने की कोशिश की है। इमोशनल सीन की बात हो तो कुछ जगहों पर इमोशनल सीन भी नज़र आया है, जब नेहा धूपिया SCP अपने ड्यूटी पर अपनी बेटी को बम से घिरी हुई पाती हैं। और बात करें अगर इस फिल्म के ओवरव्यू की तो जहाँ यह फिल्म फुली रियल एक्शन बेस्ड मूवी है, वहीं इसमें कॉमेडी थ्रिलर और इमोशनल सीन की थोड़ी सी कमी ज़रूर महसूस होती है। अतः हमारे हिसाब से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। आप अपना रेटिंग कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग इस फिल्म की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।